Hello traders, this is Saikal Sinha from Trade for Dream. So I have come with the awesome strategy that is paid, but I am giving you the free of cost. It's my second free strategy on YouTube, right? So मैं आपको ब्रीफ करता हूँ. ओके सी दिस इज पोजिशनल एंड इंट्राडे एज वेल. यू कैन वर्क इन इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन बाय द वे. आपको यूज करना है 5 EMA. सॉरी, आपको यूज करना है 5 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. व्हाई 5 EMA? 5 EMA बोले तो मंडे टू फ्राइडे का जो क्लोजिंग रहता है ना, उसके क्लोजिंग का जो एवरेज रहता है. दिस इज ऑसम गिविंग अ स्ट्रेंथ फॉर ट्रेंडिंग इन स्टॉक्स एंड इंडेक्स बाय द वे, राइट? तो वीक का जो क्लोज रहता है ना, वो काफी स्ट्रांग रहता है, तो ये क्रूशियल लेवल एक कंडक्ट करता है, राइट? और उसका एक ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है. सो दिस इज द गुड मूव फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स, राइट? यूज डेली कैंडल करेंगे बहुत अच्छा रहेगा पोजिशनल के लिए. इंट्राडे में भी कवर होता है बहुत बार. फॉर इंट्राडे आप 15 मिनट कैंडल यूज कर सकते हैं, राइट? ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग टूल. ट्रेडिंग व्यू मैंने बताया, ट्रेडिंग व्यू आपको यूज करना है क्योंकि यहाँ पे डेटा बराबर मिलता है और किसी ब्रोकर के पास मत जाएंगे, उसके पास हाई लूज काफी रहता है. रिस्क रिवार्ड 1:1 ले सकते हैं, 1:1.5 या 1:2. एक्चुअली मैं 1:2 पे काम करता हूँ, विल बेटर रिजल्ट 1:1.5. आप कंटिन्यू 3 मंथ तक काम करें, इसका रिजल्ट मोर देन 90% हाई एक्यूरेसी के साथ आएगा, ठीक है? जैसे मैंने बताया 70-85%, ये 90% है, मैं आपको कम बता रहा हूँ. आप कंसिस्टेंट होकर डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए. अगर कुछ भी जानना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम आप कर सकते हैं. बाकी डिटेल्स नीचे में दिया हूँ, आपको वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा. चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ प्रेसियस टाइम, वी आर कमिंग ऑन द चार्ट्स. सो आई एम टेलिंग यू द एग्जांपल्स, मजा आ जाएगा देख के. सी, मैंने कुछ स्टॉक्स लिया है, ठीक है? कुछ स्टॉक्स लिए और इंडेक्स भी है. इंडेक्स आप देखिए, मैं नॉर्म्स बताता हूँ इसका, जो भी लॉजिक है वेरी सिंपल. दिस इज ब्लू लाइन 5 EMA, राइट? उसके नीचे ये डेली कैंडल टाइम फ्रेम है, इसके नीचे कोई भी कैंडल रहे उसका हाई टूटे आपको बाय करना है, और इस कैंडल, इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल रहे जिसका लो टूटे आपको सेल करना है, ठीक है? तो मैं फिलहाल बाइंग में बताता हूँ, क्योंकि बाइंग में एग्जाम्पल दोनों मिक्स हो जाएगा आपके लिए तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अगर आपको सेल का जानना रहेगा तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिएगा, मैं आपको आगे सारी डिटेल बता दूंगा. तो अभी सिर्फ बाय में बताता हूँ, बाय में बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि फ्यूचर आप बाय भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं. मिनिमम फंड साइज इज रिक्वायर्ड 10,000, आप 10 लाख से भी कर सकते हैं, राइट? तो मैंने 10-12 जो मेजर स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 है उसका मैंने बता रखा है यहाँ पे. चलिए, बैंक निफ्टी में देखिए, एक ट्रेड मिला जो हमारा ऑलमोस्ट 1:2 रेशियो दे चुका है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 1:2 आराम से दिया हुआ है, यहां तक आके इसका टारगेट हो गया. मैं इनशॉर्ट लाइन खींच रखा हूं तो आपको बता दूंगा, ताकि ये कुछ किसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड और हेक्टिक नहीं लगे, राइट? चलिए निफ्टी में आता हूँ. निफ्टी में यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं आपको एक लाइन ड्रॉप करके दिखाता हूँ. इस लाइन के नीचे भी किसी भी कैंडल का हाई टूटे तो उसको बाई करना है उसके हाई पे, और सेम कैंडल का लो SL होगा. लॉजिक इज वेरी सिंपल, आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा. UPL में देखिए, UPL में भी एक टारगेट मिला है, 1:2 रनिंग है. एशियन पेंट में भी, एशियन पेंट में एक स्टॉप लॉस गया यहाँ पे, देखिए लाइन के नीचे है तो हाई पे बाई करना है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेक किया है, राइट? नेक्स्ट हमको टारगेट मिला है. आप फिर से आइए रिलायंस में, रिलायंस में देखिए, रिलायंस में भी हमारा अभी रनिंग है बाई का SL के साथ. ये हमारा वोल्टास है, वोल्टास हमारा ऑलमोस्ट 1:1 दे चुका है. ये ITC भी हमारा टारगेट दे चुका है, हो गया है. LT भी हमारा टारगेट दे चुका है, इन्फी भी दे चुका है, TCS भी दे चुका है, HDFC दे चुका है, ठीक है? एक्सिस का मैंने मार्क नहीं किया है. ICICI बैंक भी टारगेट दे चुका है, देखिए यहाँ पे लाइन के नीचे हाई पे बाई, राइट? HDFC 1:2 दे चुका है आपके सामने, मैंने उसको ऑलरेडी पेंटेड मार्क कर चुका है. ये भारतीय एयरटेल भी हमारा दे चुका है, इसका नहीं है. सी, तो ये सारे स्टॉक्स जो मैंने बताया आपको, जितने टारगेट्स दिए हुए हैं, मैं लॉजिक फिर से आपको रिपीट कर दूं. 5 EMA के नीचे हाई पे बाय, लो स्टॉप लॉस, ठीक है? 1:1, 1:1.5 और 1:2 का आप टारगेट ले सकते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर, लाइन के ऊपर जो रहेगा ना, तो उस कैंडल का लो पे सेल है, उसका हाई स्टॉप लॉस है. तो ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, या फिर आपको डिटेल जानना रहेगा तो आप मुझसे जुड़ के जान सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई भी डाउट हो, इंडेक्स हो या फ्यूचर हो, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ के कोई भी क्यूरीज हो तो जान सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए. आप सबको अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.